हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही खूबसूरत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं, स्वेटर, लेडी स्वेटर, फ्रॉक, बेबी स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। रॉन्ग साइड पे ऐसा दिखता है। ये डिज़ाइन जस्ट 18 रोज का डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 16 मल्टीपल में फंदा लेना है, प्लस 1 प्लस 2 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 16 प्लस 1 प्लस 2। इसमें मैंने 16 मल्टीपल करके 32 प्लस 1 प्लस 2 कर लिया है, टोटल 35 कर लिया है फर्स्ट रो। फर्स्ट रो सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है। फर्स्ट रो भी सब सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड रो भी सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड रो भी सब सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब थर्ड रो भी सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है। थर्ड रो भी सब सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फोर रो भी सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है। फोर रो भी सब सीधा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फिफ्थ रो आप यहाँ से डिजाइन डालेंगे। एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, अब दो फंदा स्लिप कीजिए, 1 2। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है बैक लुक से। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6, फिर यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, फिर से यार्न ओवर कीजिए, 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6। अब ये 3 फंदा को एक फंदा बनाना है, एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब इस 2 फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से। अब ये स्लिप किया फंदा या आगे के ऊपर से ऐसे पास ओवर करना है। ये 2 फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6, फिर यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, फिर यार्न ओवर, 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6। अब 2 फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, एक फंदा सीधा, फिफ्थ रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सिक्स रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है।
सिक्स रो भी सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेवन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, अब ये दो फंदा स्लिप कीजिए, एक दो। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है बैक लुक से। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, फिर यहाँ ओवर एक फंदा सीधा, फिर यहाँ ओवर। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से। फिर यहाँ ओवर पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। अब ये तीन फंदा को एक फंदा बनाना है, एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, फिर ये दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से। अब ये स्लिप किया फंदा ये आगे के ऊपर से ऐसे पास ओवर करना है। ये दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, फिर यहाँ ऊपर एक फंदा सीधा, फिर से यहाँ ऊपर कीजिए। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से। फिर यहाँ ऊपर पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, एक फंदा सीधा। सेवन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब एट रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। एट रो भी सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब नाइन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, अब ये दो फंदा स्लिप कीजिए, एक दो। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है बैक लुक से। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर यहाँ ओवर एक फंदा सीधा, फिर यहाँ ओवर। अब ये दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड, फिर यहाँ ओवर, ये दो बार तक करना है एक बार, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, यहाँ ओवर दो, फिर चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार। अब ये तीन फंदा को एक फंदा बनाना है, एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, फिर ये दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, फिर ये स्लिप किया फंदा ये आगे के ऊपर से ऐसे पास ओवर करना है। ये दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर यहाँ ओवर एक फंदा सीधा, फिर यहाँ ओवर, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है, फिर यहाँ ओवर, ये दो बार तक करना है, दो फंदा को एक फंदा बनाना है, यहाँ ओवर एक बार, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है, फिर यहाँ ओवर दो बार, फिर चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, एक फंदा सीधा। नाइन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब टेन रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है।
10 रो भी सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब 11 रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब ये दो फंदा स्लिप कीजिए, एक दो। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है बैक लुक से। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर यहाँ ऊपर एक फंदा सीधा, फिर यहाँ ऊपर। अब ये दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधे की साइड से, फिर यहाँ ऊपर ये तीन बार तक करना है। दो फंदा को एक फंदा बनाना है, फिर यहाँ ऊपर एक, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधे की साइड से, यहाँ ऊपर दो, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है, फिर यहाँ ऊपर तीन, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर तीन फंदा को एक फंदा बनाना है, एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से। अब स्लिप किया फंदा ये आगे के ऊपर से ऐसे पास ओवर करना है। ये दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर यहाँ ऊपर एक फंदा सीधा, फिर यहाँ ऊपर, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, फिर यहाँ ऊपर तीन बार तक करना है। यहाँ ऊपर एक, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, यहाँ ऊपर दो, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, यहाँ ऊपर तीन, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, फिर एक फंदा सीधा। 11 रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब 12 रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। ट्वेल्व रो भी सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब 13 रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, फिर ये दो फंदा स्लिप कीजिए, एक दो। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है बैक लुक से। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। दो फंदा सीधा, एक दो, फिर यहाँ ऊपर एक फंदा सीधा, फिर यहाँ ऊपर, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाने सीधी की साइड से, फिर यहाँ ऊपर ये चार बार तक करना है। यहाँ ऊपर एक, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, फिर यहाँ ऊपर दो, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, यहाँ ऊपर तीन, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, यहाँ ऊपर चार, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर तीन फंदा को एक फंदा बनाना है, एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से। अब स्लिप किया फंदा ये आगे के ऊपर से ऐसे पास ओवर करना है। ये दो फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। दो फंदा सीधा, एक दो, फिर यहाँ ऊपर एक फंदा सीधा, फिर से यहाँ ऊपर कीजिए, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, यहाँ ऊपर ये चार बार तक करना है। यहाँ ऊपर एक, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, यहाँ ऊपर दो, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, यहाँ ऊपर तीन, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, यहाँ ऊपर चार, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से।
फिर एक फंदा सीधा। 13 रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब 14 रो, 14 रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। अब 15 रो, 15 रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब ये दो फंदा स्लिप कीजिए, एक दो। अब इस दो फंदा को एक फंदा बनाना है बैक लुक से। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। एक फंदा सीधा, फिर यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, फिर यार्न ओवर। अब ये दो फंदा को एक फंदा बनाना है, फिर यार्न ओवर 5 बार तक करना है। दो फंदा को एक फंदा बनाना है आगे की साइड से, फिर यार्न ओवर 1, दो फंदा को एक फंदा बनाना है, फिर यार्न ओवर 2, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है, यार्न ओवर 3, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है, यार्न ओवर 4, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है, यार्न ओवर 5, फिर एक फंदा सीधा। फिर ये 3 फंदा को एक फंदा बनाना है, एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से। अब स्लिप किया फंदा ये आगे के ऊपर से ऐसे पास ओवर करना है। ये 2 फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। यहाँ से फिर वही रिपीट करना है, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, फिर यार्न ओवर। अब ये 2 फंदा को एक फंदा बनाना है, फिर यार्न ओवर ये 5 बार तक करना है। यार्न ओवर 1, फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाना है, यार्न ओवर 2, फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाना है, यार्न ओवर 3, फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाना है, यार्न ओवर 4, फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, यार्न ओवर 5, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, फिर एक फंदा सीधा। 15 रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब 16 रो, 16 रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। अब 17 रो, 17 रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब ये 2 फंदा स्लिप कीजिए, एक दो। अब इस 2 फंदा को एक फंदा बनाना है बैक लुक से। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, फिर यार्न ओवर। अब ये 2 फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, फिर यार्न ओवर ये 6 बार तक करना है। यार्न ओवर 1, फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, फिर यार्न ओवर 2, फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, फिर यार्न ओवर 3, फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, यार्न ओवर 4, फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, यार्न ओवर 5, फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, यार्न ओवर 6, फिर 3 फंदा को एक फंदा बनाना है, एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए, फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, फिर स्लिप किया फंदा या आगे के ऊपर से ऐसे पास ओवर करना है। ये 2 फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन ख़त्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार। यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। यार्न ओवर, एक फंदा सीधा, फिर यार्न ओवर। 2 फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, यार्न ओवर 6 बार तक करना है। यार्न ओवर 1, फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, यार्न ओवर 2, फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से, यार्न ओवर 3, फिर 2 फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइड से,
यहाँ नंबर चार, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीढ़ी की साइड से, यहाँ नंबर पाँच, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीढ़ी की साइड से, यहाँ नंबर छः, फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीढ़ी की साइड से, एक फंदा सीधा। 17 रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब 18 रो, 18 रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। एटीन रो भी सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए ये डिजाइन जस्ट 18 रोज का है, 18 रोज में ऐसा डिजाइन बन के आएगा। अब फिर से रो वन से 18 तक रिपीट करके जाना है, जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिजाइन ऐसा बन के आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।